ओम नमः शिवाय। त्रिशूल और डमरू नियमित रूप से पूजा पाठ होते हैं, नियमित रूप से पूजा पाठ होती है। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। मैं जो आज मंदिर शेयर करने जा रहा हूँ वह बाकरपुर में स्थित है। यहाँ शिवलिंग स्थापित है और एक देवी स्थान है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये गांव जो है बाकरपुर पोठी से उत्तर दिशा में लगभग 2 किलोमीटर दूर पर स्थित है और यहाँ बहुत ही अच्छा शिवलिंग है। तो चलिए इस मंदिर को आप दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये शिवलिंग यहाँ जो स्थापित है, ये मंदिर 6x6 का बना हुआ है और ये ऊपर तक जो है करीब 25 फीट ऊंचा है और ये लुक है इस मंदिर का। और यहाँ देख रहे हैं कि शिवलिंग काफ़ी अति सुंदर स्थापित है। तो चलिए यहाँ से मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। तो देख रहे हैं यहाँ कांसे की बनी हुई यहाँ शिवलिंग स्थापित है और ये नज़ारा जो है आपको काफ़ी अति सुंदर लग रहा होगा। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देवी मंदिर भी है यहाँ। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो है नंदी बैल भी स्थापित हैं, शिवपुत्र गणेश भी स्थापित हैं और ये जो देख रहे हैं वो पार्वती जी हैं। त्रिशूल और डमरू स्थापित है। तो आप देख रहे हैं ये सुंदरता काफ़ी मनोरम है और यहाँ का पर्यावरण भी काफ़ी सुंदर है। अब चलिए देवी मंदिर के दर्शन करते हैं। तो मंदिर के राइट साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक देवी मंदिर भी स्थापित है। तो चलिए सामने से मैं आपको पहले नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, शिवलिंग के राइट साइड में ये देवी मंदिर स्थापित है। देवी मंदिर का जो है ये लुक है और ये करीब 20x20 फीट के दायरे में बना हुआ है और ये काफ़ी सुंदर है। तो ये सामने से इसका लुक है और यहाँ कुछ ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं और यहाँ की सुंदरता काफ़ी हरियाली भरा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी हरा भरा पर्यावरण है। तो चलिए मंदिर के अंदर का दर्शन करते हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ करके आराम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ देवी मंदिर स्थापित हैं। चलिए देवी मंदिर का घंटा बजा देते हैं। तो देखिए यहाँ इस तरह का नज़ारा है और अंदर का जो है दृश्य काफ़ी सुंदर और मनोरम दिख रहा है। तो यहाँ देवियों की जो है स्थापना की हुई है। यहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ होते हैं। ये सुंदरता जो है काफ़ी मनोरम लग रही है, दिल को सुकून देने वाली लग रही है और यहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ होता है। तो चलिए मैं आपको पर्यावरण दिखाता हूँ और यहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों से बात करवाता हूँ। देखिए यहाँ की सुंदरता, ऊपर में फैन भी लगा हुआ है और ग्रामीण लोग यहाँ जो है मनोरंजन भी करते हैं। गर्मी का जो मौसम होता है वो काफ़ी दुखद होता है और यहाँ लोग आकर के ग्रामीण लोग आनंद भी लेते हैं। मंदिर के लेफ्ट साइड में यहाँ ताखे पर भी जो है देवी माँ स्थापित हैं और ये काफ़ी सुंदर दिख रही हैं। और यहाँ का ऊपरी ये दृश्य है और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जस्ट लेफ्ट साइड में ये आपको मैंने दिखाया, शेयर किया। और चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। चचा, आप लोग यहाँ दोपहर में आनंद लेते हैं? दोपहर में आनंद करते हैं। तो और भी हैं यहाँ के लोग, देखिए यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग हैं और यहाँ दोपहर में ये लोग यहाँ आनंद का जो है भाव लेते हैं, आनंद उठाते हैं। तो ये लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं दोपहर में और यहाँ मंदिर की रखवाली भी करते हैं। तो यहाँ चाचा जी नियमित रूप से पूजा पाठ होती है? एकदम होता है। देख रहे हैं कि मंदिर का जो परिवेश है काफ़ी सुंदर है और सुहाना है। तो मैंने चाहा कि इसे YouTube पर शेयर कर दूं। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको, चलिए मैं यहाँ का पर्यावरण दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर है।
तो दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ का पर्यावरण कितना शुद्ध है और काफी प्रिय है। यहाँ का पर्यावरण काफी सुंदर है और हरियाली भरा पर्यावरण है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और ये पर्यावरण आपको दूर दूर तक दिखाई देगा। जहाँ तक मेरे कैमरे की पहुँच है वहाँ तक हरियाली ही हरियाली है। ये राइट साइड की हरियाली है और यहाँ गांव का ये नज़ारा है, तो आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर सा दृश्य है। और यहाँ एक नलकूप भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि लोग ग्रामीण लोग यहाँ जल भी पीते हैं। तो दोस्तों मंदिर के लेफ्ट साइड भी ये हरियाली भरा जो है पर्यावरण है, यहाँ का सुंदरता जो है दिल को छू लेने वाली है। और यहाँ देख रहे हैं काफ़ी सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि दिल को काफ़ी सुकून देती है। यहाँ का पर्यावरण अति सुंदर है, ये हरियाली आपको गांव में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।